नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय 9 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि का नाम है मंगलेश डबराल, कविता का नाम संगतकार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता के कुछ कठिन शब्द तथा कविता का सार पढ़ा। वीडियो के इस भाग में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, मुख्य गायक का साथ कौन देता है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है संगतकार, दूसरा स्वर, तीसरा श्रोता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है संगतकार। प्रश्न 2, संगतकार किस किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है गायन के क्षेत्र में, दूसरा समाज में, तीसरा युद्ध में, चौथा सभी क्षेत्रों में। बच्चों, जैसा हमने कविता में पढ़ा और समाज में देखते हैं, संगतकार सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। सही उत्तर है सभी क्षेत्रों में। प्रश्न 3, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य में लगे हुए सहायक कर्मचारियों की तरफ संकेत कर रहा है। प्रश्न 4, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? बच्चों, उत्तर है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नेताओं, अभिनेताओं, संत महात्माओं के साथ तथा अन्य समस्त कार्य क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जो कार्य की सफलता में सहयोग प्रदान करते हैं। प्रश्न 5, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करते हैं? उत्तर है, ये
अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक के साथ मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। मुख्य गायक की आवाज कमजोर पड़ने पर उसे सहयोग प्रदान करते हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।